25,000 बाघ देखने का बहुत शौक था। टिप बरसा। तो जय हिंद साथियों, नमस्ते, राम राम, यही है मेरा काम और एक बार स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि सफर की शुरुआत तो हो चुकी है, बट अभी मंजिल बहुत जैसे कि बहुत दूर है, और जैसे कि मेरे साथ भाई लोग भी हैं इस सफर में, और जैसे कि हम अपनी छोटी सी गाड़ी में जा रहे हैं, और अभी हम जैसे कि दुगड्डा पहुंच चुके हैं। तो भाई लोगों से कहना है कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। हम जा रहे हैं बद्रीनाथ, और आज का जो स्टे है वो हमारा रुद्रप्रयाग या फिर श्रीनगर होने वाला है। तो अभी देखो, अभी 4 बज चुका है, देखो अभी आज कहाँ तक पहुँचते हैं। तो जैसे कि भाई भी साथ है, भाई का सब नाम? मेरा नाम राजू खंतवाल है। अच्छा, और आज आपके साथ हम बद्रीनाथ तक शेयर करेंगे, देखेंगे और कौन से स्टे सिस्टम हमारा स्टे होता है। जी जी, और रास्ते के दृश्य दिखाते रहेंगे। तो अभी जैसे कि हमारे साथ नितिन भाई भी हैं, तो नितिन भाई कैसा लगने वाला आज? बहुत मजे आने वाला है, मेरा तो फर्स्ट टाइम है बद्रीनाथ टूर, तो एक अलग ही वाइब है, मतलब हाँ अलग ही मजा आने वाला है। और दोस्तों, जैसे कि पीछे का दृश्य देख सकते हो आप, फर्स्ट क्लास धूप जैसे कि आज आ रही है। कि दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम सतपुली पहुंच चुके हैं, और आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वही सतपुली के नीचे जो आप पीछे नदी देख रहे हैं मेरे पीछे, ये नयार नदी है। अभी ये कुछ दिन पहले आपने यहाँ देखा होगा कि क्या बोलते से कुछ लव का मैटर फंस गया था, तो यहाँ से वो लुढ़क के नदी में गिर गया था। अच्छा, तो हमारे साथ में हमारे भाई धुलिया जी हैं। धुलिया जी, कैसा लग रहा है? क्या मजा, एकदम सेक्सी मौसम हो रहा है, और देख सकते हो आप सतपुली की वहाँ क्या एकदम व्यू एकदम सेक्सी वाला हो रहा है। और दोस्तों, जैसे कि सफर काफी लंबा है, पर जो मंजिल है वो अभी उसमें पहुंचने में थोड़ा समय है। तो दोस्तों, वीडियो में बराबर बने रहें, और वीडियो के जो चैनल में अभी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्योंकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, एक वीडियो के बीच में हम प्यारा सा गाना गाना चाहते हैं, क्योंकि पानी भी बगल में ही है, तो एक गाना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, टिप टिप बरसा पानी। तो दोस्तों, अभी जैसे कि हम सतपुली पहुंच चुके हैं, और जैसे अभी स्टे का दिक्कत हो रही है, क्योंकि शाम जैसे कि बहुत ज़्यादा हो गई है और ठंड भी बढ़ते जा रही है, तो सोचते हैं कि स्टे कहाँ करें, क्योंकि बद्रीनाथ एक दिन में पहुंचना पॉसिबल लग नहीं रहा। वैसे पहुंचने के लिए पहुंच भी सकते हैं, बट रात जैसे कि रात क्योंकि 4 बजे के आसपास हम कोटद्वार से चले थे, और अब लगभग 5 बजने के आसपास का टाइम हो चुका है। इस टाइम पे हम सतपुली चाय पीने के लिए रुके हैं, तो हमने कहा इतना चाय बन दी, तो आपको थोड़ा यहाँ का व्यू ही दिखा दिया जाए, किस प्रकार का यहाँ का नजारा है। और दोस्तों, जैसे कि ठंड बढ़ती जा रही है, तो एक चाय की चुस्की लेंगे, उसके बाद अपना सफर आगे की ओर। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। जैसे कि दोस्तों, हमारे भाई अंकित धुलिया जी को बाघ देखने का बहुत शौक था, बल्कि बाघ तो नहीं मिला, श्रीकोट के आसपास इन्हें जंगली सुअर बहुत सारे देखने के लिए मिले, कैसा लगा? और दोस्तों, जंगली सुअर भी जैसे कि मैंने पहली बार देखा, क्योंकि अपने कोटद्वार में तो सिर्फ नॉर्मल सुअर ही देखने को मिलते हैं, और जैसे कि बाघ देखने को काफी वो था कि यार रास्ते में यार बाघ जाए, यार सारा रास्ता टकरा नहीं कभी, बस यार कभी रास्ते में इस बार टकर जाए तो दिखाएंगे जरूर वीडियो में आपको। बल्कि एक चीज बताओ, कोटद्वार के अंदर तो जो सुअर देखते थे बड़े मोटे तगड़े, बाकी यहाँ छोटे जैसे ऐसा लग रहा था जैसे बाघ तेंदुआ निकल रहा है। हाँ, वैसे लगा कि जैसे तेंदुआ निकल रहा है। और जैसे कि श्रीनगर में आज इलेक्शन का रिजल्ट था, तो काफी हल्ला उल्ला चल रहा था, तो वीडियो दिखाई दी मैंने। और आपको एक खुशखबरी और दे दूं, जो एबीपीपी से बागी था वो यहाँ से श्रीनगर से चुनाव जीता है। और जैसे कि अपने कोटद्वार में भी नेक्स्ट मंथ इलेक्शन होने वाले हैं, तो कौन इस बार जीतेगा, NSY या ABP, ऐसे हो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा।
दावेदारी करी थी? मैंने सचिव जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए AIDSO की तरफ से दावेदारी करी थी और हम जीते। अच्छा, कितने वोटों से जीते आप? हम 2500 लगभग 2500 वोटों से। कौन जीता यहाँ पर? अध्यक्ष में गौरव मोहन नेगी। अच्छा, उपाध्यक्ष? सचिव में। चलो ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई, मित्र से शुभकामनाएं। ठीक है, श्रीनगर में आज रिजल्ट कॉलेज इलेक्शन का आज रिजल्ट निकला और जैसे कि अभी यहाँ पे जो सचिव के लिए जो खड़ी हुई थी लड़की वो भारी मतों से यहाँ पे जीती थी, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो अभी जैसे कि हमारा डिनर वगैरह हो गया है, भाई से पूछेंगे भाई खाना कैसा लगा भाई आपको? जिससे आपसे हमने सोचा था कि खाना अच्छा मिलेगा, लेकिन जिस तरह से आपने खाया तो नहीं लगा कि बोला कि बेटर, मतलब पैसा वसूल नहीं हुआ? पैसे वसूल नहीं हुआ। अच्छा, तो देख लो भाई श्रीनगर में किस तरीके से लूट रहे हैं भाई यार। आपने देखा होगा पनीर, हमने पनीर ऑर्डर किया था, पनीर का पता नहीं लगा, मतलब इतने छोटे छोटे पीस थे यार अपने कोटदार में, फिर भी यार बड़े 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 पनीर के टुकड़े मिल जाते हैं। एक नान बना होता, नान इस तरह से होता है जैसे बटर नान बोला जाता है, बटर नान में बटर चाट होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर बटर इस तरह से था जैसे कि शायद कंजूसी कर रही है। बताओ सही बात है। तो अब जैसे हम स्टे का करने वाले हैं, मतलब अब देखिए अभी अभी शायद रुपया हो सकता है यार, अभी अगर यहाँ में क्लाइमेट अच्छा लगेगा तो शायद अभी यही देखते हैं। श्रीनगर में रुकेंगे वरना आगे दुर्गा के चलेंगे। हाँ, फिर ट्रेन देखते हैं यहाँ का माहौल किस तरह से है, किस तरह से अभी लेते हैं इसको। अभी हम घूम ही रहे हैं, अभी घूम ही रहे हैं मतलब। तो दोस्तों जैसे कि डिनर वगैरह हो गया है, ठीक है, भाई लोगों को जैसे खाना छोड़ने का, हाँ यार थोड़ा कंजूसी वगैरह करी और जैसे पनीर के टुकड़े भी छोटे छोटे से थे, तो क्या ही बोलूँ, बट ये यार जो भी है पेट भर गया है। तो अब यहाँ से देखते हैं स्टे का सीन देखते हैं और उसके बाद आगे का सफर जैसे जारी रहेगा। तो डिनर करने के बाद जैसे कि अब हमने होटल ले लिया है और अब हम जैसे कि थक भी जैसे बहुत ज्यादा गए हैं, तो अब जैसे सोने की तैयारी है। तो दोस्तों अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, ताकि मैं अच्छे वीडियोस लेकर आता हूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।